फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इस चैप्टर को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको इस चैप्टर की एक समरी भी दे देती हूँ क्योंकि आपको थोड़ा याद आ जाए कि इस चैप्टर में था क्या। मार्गी एंड टॉमी इसमें मेन करेक्टर हैं। इन दोनों की क्या कहते हैं, टॉमी को एक बुक मिल जाती है और ये लोग काफ़ी फ्यूचर एज के हैं, तो ये लोग उन्होंने इन लोगों ने कभी भी बुक नहीं देखी, जैसे हमारी पेपर बुक्स होती हैं उन्होंने कभी नहीं देखी हुई होती हैं। लेकिन टॉमी को क्या मिल जाती है, वैसी ही पेपर बुक मिल जाती है, तो उन लोगों के लिए तो वो स्ट्रेंज होती है, एकदम उनके लिए अनजान होती है वो बुक, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। तो वो बस उस बुक के बारे में देखते हैं और उस बुक में लिखा क्या होता है, किसके बारे में लिखा होता है, स्कूल के बारे में। अब मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है क्योंकि उसका स्कूल कैसा था, एक ही कमरे में बैठी रहती थी हर टाइम, अकेले अपना होमवर्क करती थी, ना कहीं बाहर जाना ना कुछ, उसका टीचर भी हमेशा उसके साथ ही रहता था, तो उसे अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब उसने उस बुक में ओल्ड स्कूल्स के बारे में देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा कि पहले कितना फन होता था, दोस्त अपने साथ में जाते थे, खेलते कूदते स्कूल पहुंचते थे, एक ही जैसा होमवर्क मिलता था, तो एक दूसरे की हेल्प भी कर लेते थे। अब उन लोगों का क्या था, अलग अलग होमवर्क मिलता था, तो उन लोगों को वो स्कूल, मार्गी को वो स्कूल बहुत अच्छा लगा था। जैसे क्योंकि हम लोगों को होमवर्क मिलता है तो एक दूसरे की हेल्प कर लेते, मतलब सारी बातें उसे पूरा ओल्ड स्कूल्स की अच्छी लगती थी, लेकिन उसे अपना स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैंने आपको बताया। तो फिर मार्गी वही सोचती रहती है, और फिर जब उस एक बार उसकी जो टीचर है उसकी मशीनरी ख़राब हो गई थी, और उसे लगा था कि जो टॉमी है, जैसे उसकी टीचर हिस्ट्री टीचर, वो जो उसकी टीचर थी उसका हिस्ट्री सेक्टर बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो उसकी टीचर को एक महीने के लिए बिल्कुल हटा दिया गया था, दूर ले गया था। तो टॉमी को क्या हुआ, बहुत आराम मिल गया था एक हफ महीने तक, उसने क्या किया, केवल आराम किया और कुछ भी नहीं किया। मार्गी को लगा कि शायद हाँ मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए, मेरी टीचर भी चली जाए तो मैं थोड़े रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन फिर वही आया काउंटी इंस्पेक्टर, वही कंप्यूटर वगैरह कुछ ठीक करने वाला आ गया उनके यहाँ, तो उसने बहुत जल्दी उसे ठीक कर दिया। फिर उसकी उसे बुलाया क्यों गया था, क्योंकि जो ज्योग्राफी में मार्गी के मार्क्स आ रहे थे वो बहुत कम आ रहे थे, उसकी मदर को पता चला। फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्गी के लेवल से काफ़ी हाई लेवल था उसका, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 9th में तो हमें 12th का पढ़ा रहा हो, उस टाइप की उसकी सेटिंग बदल गई थी। तो फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके लेवल की कर दी थी अप टू 10 लेवल की कर दी थी, वो 11 की थी, एक साल पहले की कर दी थी ताकि उसे आसानी पड़े। और उसने बताया कि उस हिसाब से मार्गी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक ठीक है। यही सोचते फिर मार्गी क्या सोचती है कि उस टाइम उन लोगों ने क्या किया होगा। द फन दे हैड चैप्टर की लास्ट लाइन में ही लिखा है द फन दे हैड, और उसी लाइन के बेस पर इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है द फन दे हैड। चलिए, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो गया होगा चैप्टर। अब हम लोग अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी एंड टॉमी कितने ईयर्स ओल्ड थे, मार्गी थी 11 ईयर्स की और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा था, शी रोट इन हर डायरी, क्या लिखा था उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और यहाँ रियल बुक से क्या मतलब है, जैसे हमारी इस टाइम की बुक्स हैं पेपर बुक्स, रियल बुक। अब उसने ये रियल बुक्स क्यों कहा, उसने रियल बुक्स इसलिए कहा क्योंकि उसने अपने ग्रैंडफादर की भी ग्रैंडफादर से, मतलब उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके भी ग्रैंडफादर ऐसी बुक्स यूज़ करते थे और वही रियल बुक्स होती थी, और जो बुक्स वो लोग यूज़ करते थे वो कौन सी होती थी, टैली बुक्स। टैली बुक्स क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो टैली बुक्स होती है कंप्यूटर स्क्रीन जैसी होती है वो बुक, और उसमें जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर हिलते रहते हैं, मतलब कि एक जगह रुकते नहीं हैं, ऐसे स्प्लिट होते रहते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इससे पहले कभी बुक देखी थी, बुक, तो हम कह सकते हैं नो, नो, शी हैड नेवर सी अ बुक बिफोर।
बिफोर। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, उसमें नहीं देखी थी, अब हम लोग अपना फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में मार्गी ने क्या स्ट्रेंज देखा, क्या अलग देखा, क्या था कि उसमें जो वर्ड्स थे वो इधर उधर हिल नहीं रहे थे। शी फाइंड स्ट्रेंज इन द बुक that words are not moving as in a computer स्क्रीन। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आप क्या सोचते हैं कि टेलीबुक क्या है, आपको क्या लगता है टेलीबुक क्या है। टेलीबुक क्या है, एक कंप्यूटर स्क्रीन होती है जिसमें वर्ड्स हिलते रहते हैं, जैसे भी इसमें स्टिल है वर्ड्स तो इसमें हिलते रहते हैं उसमें टेलीबुक में। चलिए लिखते हैं, टेलीबुक इज अ कंप्यूटर स्क्रीन वेयर वर्ड्स आर मूविंग इन प्लेस, किसकी प्लेस में, किसकी बजाय, इन प्लेस ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। हिलते रहते हैं ना कि खड़े रहते हैं एक जगह, जैसे इसमें स्थिर है ऐसे स्थिर नहीं रहते, हिलते रहते हैं। अब हम अपना सिक्स क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा सिक्स क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल। मार्गी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था। क्लासमेट पूछे, फ्रेंड नहीं, कहीं आप टॉमी लिख दें उसमें। क्लासमेट यानी जो क्लास में हमारे दोस्त होते हैं वो क्लास वाले जो भी। मार्गी का स्कूल कहाँ था, उसके बेडरूम के बाहर साइड में ही था, उस बेडरूम के बाहर जो भी कमरा था वो उसका स्कूल का कमरा था और क्लासमेट कोई नहीं था। तो हम लिखेंगे मार्गीज Marie's school was next to her bedroom. अब हम next lines लिखेंगे, क्या उसका कोई classmate था। No, she did not have any classmate। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था फ्यू कपल्स में लिखना था, हमें दो लाइनों में आंसर लिखना था। उसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। कौन कौन से सब्जेक्ट्स मार्गी एंड टॉमी लर्न करते थे, कौन से थे। अर्थमेटिक था ये लास्ट में लिखी हुई लाइन चैप्टर की। ज्योग्राफी हमें पता ही है, एंड दैट हिस्ट्री, हिस्ट्री टॉमी का था इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। क्या का था, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। वो लोग क्या क्या पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। आप यहाँ एंड मत लिखिए क्योंकि और भी हो सकते हैं, हमें चैप्टर पर ना बताए हो।
तो हम एक्सेट्रा लिख दीजिए एंडिंग, क्योंकि इतने हमें पता ही है, अब आगे कुछ भी हो तो हमें पता नहीं है ना, इसलिए आप एंड मत लगाइएगा, एक्सेट्रा लिख दीजिएगा। सो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमें फ्यू कपल्स में यानी दो लाइनों में लिखना था आंसर, वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे कंप्लीट, तब तक के लिए थैंक यू।